खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। कोरोना से बचाव के लिए जहां चिकित्सा विभाग, पुलिस और प्रशासन सहित तमाम सरकारी एजेंसियों ने पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं प्रदेश के शहरी निकाय भी इस काम में जी जान से जुटे हुए हैं। इसे लेकर स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल से बातचीत की सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव ने। कोरोना वायरस से बचाव और राहत के लिए प्रदेश भर के शहरी निकाय काम कर रहे हैं। हमारे साथ हैं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल, इनसे पूछते हैं कि शहरी निकाय किस तरह से इस वायरस के संक्रमण के बचाव के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, 13 मार्च से हमने पूरे जो 193 शहर हैं, चाहे वो नगर निगम हो, परिषदें हों, चाहे पालिकाएं हों, उनमें सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया था। सबसे पहले हमने शुरू किया कि सैनिटाइजेशन करें, तो जिस तरीके से हाइपोक्लोराइड जो है ये अवेलेबल होता गया, मटेरियल अवेलेबल होता गया नगर निकायों को, वैसे वैसे जो है सैनिटाइजेशन होता गया। सैनिटाइजेशन के साथ साथ ही जो हर नगर निकाय के पास अपनी खुद की फायर ब्रिगेड है, फायर ब्रिगेड से जो है अपने अगर पानी अवेलेबल है वहाँ पर तो पानी से जो है सड़कों को धुलवाने को भी काम चालू कर दिया था। सड़कें धुली, नालियाँ साफ़ हुई और इस तरीके से सफाई पे भी अत्यधिक ध्यान दिया गया। सफाई कर्मियों की मदद के लिए हमने हर सफाई कर्मी के लिए ये कह दिया कि अगर 58 वर्ष का से ज़्यादा का उम्र का है तो उससे सफाई का काम न लिया जावे, उसको दफ्तर में काम दिया जावे। और इसके अलावा भी हर सफाई कर्मचारी को जो है 1,000 रुपया हमने ये सैनिटाइजेशन खरीदने के लिए, मास्क खरीदने के लिए व अन्य चीज़ों के लिए ये सब कुछ प्रोवाइड करवाया। सर, आपके आपके प्रयासों से कोटा की एक DCM कंपनी है, उससे आपने बात करी तो उस वजह से निकायों को जो है निशुल्क वो भी उपलब्ध हो पाया सोडियम हाइपोक्लोराइट। हमें पता लगा कि DCM इस प्रोडक्ट को बनाता है तो हमने DCM पर रोक लगाई कि इसको आप बाजार में नहीं बेचोगे, जितना भी जो भी प्रोडक्शन है आपका वो नगर निकायों को दोगे। और उसी के वजह से जो है कई नगर निकायों को ये चीज़ उपलब्ध हो पाई और होती जा रही है। सैनिटाइजेशन का जो मटेरियल है वो सब अवेलेबल होता जा रहा है। तो मेरा कहना यह है कि इसमें जनता का हमें सहयोग भी मिला है और जनता का इस तरीके से सहयोग मिला है कि जनता ने खुद ने आइडेंटिफाई किया कि कौन स्ट्रीट वेंडर है, कौन गरीब है, कौन रिक्शा चालक है, जिसको जो उनको हमने 1,500 रुपया अलग से दिया है, 1,500 रुपये उनके खाते में डाला है खर्चे के लिए, जिनको कि किसी प्रकार की कोई राशन की सहायता नहीं मिलती थी। इसके अलावा नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा भोजन वितरित करना, कच्ची सामग्री वितरित करना, ये काम भी जो है हमने काफ़ी बड़ी तादाद में किया है। तो मतलब हर तरह से जिस तरीके से भी उस शहर के निवासियों की मदद हो सकती है वो नगर निगम के कर्मचारियों से, पालिका के नगर कर्मचारियों से और परिषद के कर्मचारियों से पहुँचाने की हमने कोशिश की है। मंत्री शांति धारीवाल जो है पूरे मामले पे नज़र बनाए हुए हैं और निकायों के कामकाज की डेली समीक्षा कर रहे हैं और उसके अनुसार निर्देश दे रहे हैं। इनका ये कहना है कि निकायों की तरफ से कोरोना वायरस से संक्रमण से बचाव में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।